हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल गाइस, वेलकम यू ऑल टू एडंगर प्लेटफॉर्म। आई एम अंकित शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल सरकारी नौकरी की तैयारी। सो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। और टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फॉर योर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स गाइस। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, आज पिछली दो क्लासेस में कर चुके हैं इनफैक्ट, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो किए हैं, आज भी हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे करने वाले हैं गाइस। अब स्टूडेंट्स, आज कुछ नए फॉर्मूलाज हम देखेंगे, लाइक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर टू थीटा प्लस टेन साइन स्क्वायर थ्री थीटा इज व्हाट। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं बेटा जो आपको याद होने चाहिए, इन फॉर्मूले का कंपोजिशन नहीं है। साइन टू थीटा के लिए फॉर्मूला लिखिए बच्चों, है ना, साइन टू थीटा इक्वल टू व्हाट, टू साइन थीटा कॉस थीटा। और इसका एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? नाउ गाइस, अगर साइन टू थीटा के दो फॉर्मूला हमारे पास है बच्चों, वन सेकेंड ना, और इसका cos 2 थीटा के चार फॉर्मूले हम लिखेंगे। पहला हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसके बाद हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद हम लिखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये एक ही फॉर्मूले को ना देखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका फंडामेंटल फॉर्मूला तो होता ही है ना। इसको अगर मैंने लिख दिया, ये भी कॉस थीटा प्लस थीटा, मैंने जो सारे फॉर्मूले के ईच एंड एवरी फॉर्मूले को प्रूव किया जा सकता है, सब कुछ एक दूसरे से लिंक है बच्चों। तो cos square theta minus sin square theta को sin square theta को मैं लिख दिया 1 minus cos square theta, 1 minus cos square theta। तो आपने ये बोल दिया बच्चों कि सर ये सॉल्व होके माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, अल्टीमेटली 2 cos square theta minus 1 आएगा ना सॉल्व करने के बाद। तो वही है बच्चों, इसकी एक चेंज फॉर्म है। और ये सिमिलरली अगर इसको sin square cos square theta को sin square theta में चेंज कर दो तो 1 minus sin square theta बन जाएगा, जो कि अगेन 1 minus 2 sin square theta बन जाएगा। और सिमिलरली कुछ और प्रॉपर्टीज लगा के हमें ये फॉर्म मिल रही होगी। तो ये चार फॉर्मूले हम cos 2 theta के लिए लेने वाले हैं बच्चों। ये सब कुछ आपके उन फॉर्मूले से निकल के आते हैं, sin a plus b, ये फॉर्मूले भी मैंने आपको लिखाए हैं, cos a plus b। अब cos a plus b के जगह cos theta plus theta लिख दूं तो आप मेरी बात से एग्री करते हैं सर, वो फॉर्मूला क्या था, cos a cos b। तो यहाँ ए बी की वैल्यू थीटा थीटा ही है, माइनस साइन ए साइन बी, अल्टीमेटली ये क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो आया, यही तो होता है कॉस टू थीटा। तो अल्टीमेटली फंडामेंटल फॉर्मूले जो साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी पहले लिख चुके हैं हम, पहले पिछली क्लासेस में रिकॉर्डिंग में जाके देखेंगे, उनको एक्सप्लेन भी किया है अपने बच्चों, तो आपको पता पड़ेगा ये फॉर्मूले सब एक दूसरे से बने हैं, है ना, बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पता पड़ता है सर, या तो एक तरीका क्या है बच्चों कि मैं इसको पूरा चेंज करूं और कुछ वैल्यू निकालूं, या फिर हम डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों कि cos, ये अगर आपको पता है कि ये cos 2 theta के इक्वल होता है तो आप बोलोगे cos 2 theta will be equal to 1/2, और 2 theta cos 1/2 कब होता है सर, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, बोलो हाँ या ना, मतलब 2 theta की वैल्यू आई 60, मतलब theta की वैल्यू आई 30। अगर theta 30 आ चुका है स्टूडेंट्स, अगर थीटा 30 आ चुका है तो आप बोलोगे सर यहां बात हो रही है टेन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 90 की, बिकॉज 3 थीटा और 2 थीटा, तो अल्टीमेटली ये तो 1 बना सर, ये 1 बना, और ये क्या बना बच्चों, टेन 60 रूट 3 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये प्रॉपर्टीज अगर पता है तो जो ब्लू इंक में जो केवल इतना सा आपका सॉल्यूशन बनता है, बोलो आया ना, अगर ये प्रॉपर्टी पता होती तो ये इतना सा आपका सॉल्यूशन है, अगर नहीं पता है तो फिर ये सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा।
इसलिए आपको कॉन्क्लूजन को काफी याद करना है। साइन टू थीटा का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, कॉस टू थीटा का लिखाया है मैंने आपको, चार फॉर्मूले हम लेंगे इसके लिए, और टेन टू थीटा के लिए भी लिख ले बच्चों। व्हाट इज टेन टू थीटा? वही टेन ए प्लस टेन बी से मिलकर बनेगा, तो ये आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी, मतलब टेन थीटा प्लस टेन थीटा, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है टेन टू थीटा का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? तो इस तरीके से हम क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, क्लियर? और ये फॉर्मूला जो हम लिख रहे हैं ये आपको टिप्स पर होने चाहिए, इनका कोई कंपनसेशन नहीं है। आपको ये लगता है बच्चों की फॉर्मूले याद नहीं होते तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना छोड़ दो, एसएससी सीजीएल के अंदर 8 क्वेश्चन छोड़ देना ट्रिग्नोमेट्री के, मेंस के अंदर, क्लियर? अब बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री कॉस थीटा गिवन है, तो बोल दूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री। तो आप यहां से बोलोगे सर ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रूट थ्री आ रहा है, मतलब ये तो टेन थीटा होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री दे रखा है, और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और हमें पता है कि टेन सिक्सटी की वैल्यू भी क्या होती है, रूट थ्री ही होती है। तो आपको पता पड़ा थीटा इक्वल टू कितना है, सिक्सटी। थीटा इक्वल टू सिक्सटी, इसकी वैल्यू निकालनी है सर, हम अंधेरे में निकाल सकते हैं, बोलो हाँ या ना, क्योंकि अगर टेबल याद है तो काम, मतलब आंख बंद करके भी हो सकता है ये, क्लियर? तो आपने बोला सर टू साइन स्क्वायर एटी, टू साइन सिक्सटी की वैल्यू, सर साइन सिक्सटी होता है रूट थ्री बाय टू, उसका स्क्वायर थ्री बाय फोर, सेक स्क्वायर सिक्सटी, सर सेक सिक्सटी होता है टू, उसका स्क्वायर फोर, प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा, साइन सिक्सटी इंटू, बच्चों देखो समझे मेरी बात को, क्या ये साइन थीटा और सेक थीटा को मैं वन अपॉन कॉस डाल सकता हूं? तो साइन अपॉन कॉस कितना बन जाएगा, टेन सिक्सटी बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, और टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है रूट थ्री, और कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वो होती है 2 अपॉन रूट 3, कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2 अपॉन रूट 3। इन्हें सॉल्व करना है, आपने कहा 3 बाय 2 प्लस 4 प्लस रूट 3 प्लस 2 बाय रूट 3, आपने कहा बच्चों अगर इन्हें सॉल्व करें तो 2 रूट 3 एलसीएम आएगा, तो 3 रूट 3 प्लस 8 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 को रूट से मल्टीप्लाई किया प्लस 6 प्लस 4। ऑन सॉल्विंग दिस 10 प्लस 11 रूट 3 अपॉन 2 रूट 3, लेकिन सर ये तो दिख तो रहा ही नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया बच्चों, रूट थ्री से अगर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, रूट थ्री से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और रूट थ्री से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर बन जाएगा टेन रूट थ्री प्लस इलेवन रूट थ्री इंटू रूट थ्री, इलेवन थ्री जा 33 अपॉन टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री 6, आपका आंसर है टेन रूट थ्री प्लस 33 अपॉन 6, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, ये क्वेश्चंस आपको एच देंगे, ये क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस होना बहुत जरूरी है। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, अब ये क्वेश्चन है बच्चों जो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छी फ्रीक्वेंसी रही है, सारे कॉन्सेप्ट हम सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला हो गया, कुछ बेसिक्स हो गए, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, इन क्वेश्चन से बात करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू, तो यहां दिया है साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो क्या मैं यहां से बोल दूं साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? आप बोलेंगे साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट गाइस,
कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ या ना। साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आप बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी, मतलब इधर भी स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर कर, तो कॉस की पावर 4 थीटा होगी। अरे दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर किया इधर भी स्क्वायर किया, तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा। तो क्या बच्चों इस इक्वेशन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा में, क्या मैं कॉस की पावर 4 थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा ले सकता हूं? आपने कहा सर हाँ सर, ये कॉस की पावर 4 थीटा की जगह आप लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, तो आंसर क्या आ गया? बना, बोलो हाँ या ना। इसीलिए ये इतने इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों अगर बात की जाए कॉस स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 60, है ना, कॉस स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 60, इन सब की आपको वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखने के अलावा और कोई चारा नहीं। क्लियर? आप अगर यहाँ वैल्यू रखते हैं बच्चों, या तो आप इसको थीटा की वैल्यूज भी अलग अलग दे रखिए, तो वैल्यूज ही पुट करनी पड़ेगी। कॉस 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2 होगा। साइन 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर 3/4 होगा। जल्दी जल्दी वैल्यूज रख दे। क्लियर? कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 होता है 1/2, तो ये होगा 1/4, नीचे होगा अपॉन 1/2। माइनस, बच्चों यहाँ माइनस ध्यान दें, टेन स्क्वायर 30, सर टेन 30 होता है 1/3, तो उसका स्क्वायर होगा 1/3। कॉट 45 तो 1 ही होता है, उसका स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो लास्ट में 1 ही आना है। माइनस साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर 1/4 होल अपॉन, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/√3, तो यहाँ लिख दूंगा। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है, भी बहुत इजी बात है, बहुत ही ज्यादा इजी बात है बच्चों। ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। अरे ये 4 ऊपर चला जाएगा ना, देखो ऐसी हरकतें ना करें बच्चों। 4 ऊपर आएगा, 4/6 2/3 बन जाएगा, और ये बन जाएगा बच्चों 1/2 बन जाएगा, -1/3 बन जाएगा, -1/12 बन जाएगा। तो ये हमें सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। 12 एलसीएम आ गया मेरा, तो 4 2 8 प्लस 6 माइनस 4 - 1, तो यहाँ पता पड़ता है 9/12 आया सर। 8 + 6 - 5, 9/12 इक्वल टू 3/4, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, वैल्यूज पुट करे बिना कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, बस वैल्यूज याद होनी चाहिए। वैल्यूज अगर याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों का खेल है बच्चों। तो मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये कुछ क्वेश्चन दे दिया है बच्चों आपको, इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ कलाकारी पूछ ली जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यूज आपको सॉल्व करना होता है। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही आपको आने चाहिए। आप थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, चाहे तो आप थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन थीटा की वैल्यू पुट करते वक्त ध्यान रहे कि हम जीरो या इन्फिनिट नहीं बना रहे, है ना। आप इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर में थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा सर अगर थीटा की वैल्यू 90 पुट करता हूं तो कोसेक 91 बन जाएगा, लेकिन सेक 90 तो इनफिनिट बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो मैं डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता हूं। क्लियर? पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें जीरो या इनफिनिट मिल रही होगी, इसलिए हम वो पुट नहीं कर सकते। थीटा की वैल्यू 30 45 ऐसा कुछ हम पुट कर सकते हैं, है ना। तो या तो कॉस 40 थीटा की वैल्यू 45 पुट कर लो और सॉल्व कर लो, बोलो हाँ या ना। एक तरीका तो ये है कि थीटा की वैल्यू 45 पुट कर ली और सॉल्व कर लिया। थीटा की वैल्यू 45, कोस 45 होता है 1/√2। अब देखो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, उसका भी क्यूब करना पड़ेगा, उसकी पावर 6 करनी है। तो क्या मेरी बात से एग्री करते हो कि कोस 45 होता है
वन बाय रूट टू, उसका पावर सिक्स करना है, पहले स्क्वायर किया फिर क्यूब कर दिया, अल्टीमेटली पावर सिक्स हो गया। तो वन बाय टू की पावर थ्री अल्टीमेटली वन बाय एट आ जाएगा। आप बोलोगे वन बाय एट प्लस सिमिलरली साइन 45 के लिए वन बाय रूट टू ही होती है, तो ये भी वन बाय एट आया। प्लस थ्री इंटू साइन थीटा, थ्री इंटू वन बाय टू इंटू वन बाय टू, बोलो हाँ या ना, बिकॉज वन अपॉन रूट टू वन अपॉन रूट। ये वैल्यूज तो काफी इजी बात है सर, ये रूट टू और रूट टू तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होकर टू बन जाएंगे, टू इंटू सर ये कितना बना हमारा, ये बोलोगे टू अपॉन रूट टू माइनस वन, और ये बनेगा टू अपॉन रूट टू, बिकॉज वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू अल्टीमेटली टू अपॉन रूट टू प्लस वन। तो यहां आप बोलते हैं बेटा सॉल्व करने पे, ऊपर आपने लिख दिया वन बाय एट प्लस वन बाय एट टू बाय एट, वन बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर होल अपॉन टू इंटू, ध्यान दे यहां बोलेंगे आप रूट टू माइनस वन और यहां बनेगा रूट टू प्लस वन। बच्चों क्या ऊपर वन बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर वन बना और नीचे टू बना, बिकॉज ये ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये रूट टू का स्क्वायर टू माइनस वन बना, अल्टीमेटली टू माइनस वन तो वन ही होता है, वन बाय टू इज द करेक्ट। क्लियर? इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन स्टूडेंट्स? और एक और तरीका क्या होता है जो कि थोड़ा सा लेंदी मेथड होगा, है ना, वो मेथड क्या होता है बच्चों, उस मेथड से आप थोड़े से परेशान हो जाते हैं। वो मेथड क्या है आपका, काफी इजी मेथड है वैसे, मैं इस मेथड को मेटा इरेज कर दे रहा हूँ बेटा, सो देट हम एक नया मेथड सीख पाए जिसके अंदर वो मेथड आपको यहाँ भी क्यों करना है, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है थीटा की वैल्यूज पुट करके, है ना, लेकिन यहाँ वो वाला मेथड, दूसरा मेथड, ताकि फॉर्मूलाज में हम हमारी कमांड बना पाए। क्लियर? तो आप बोलेंगे सर ऊपर जो हमें दिख रहा है, सर ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है, ऊपर ये दिखाई दे रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मैं इसको इंटू वन भी ले सकता हूं बेटा? ले सकता हूं, इंटू वन तो हम कभी भी कर सकते हैं। और इंटू वन के बजाय क्या मैं लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन, चाहे तो इन्हें चेंज कर लो अभी के लिए, और नहीं भी चेंज करना है तो अभी के लिए यही रहने दो, कॉसेक थीटा इनटू सेक थीटा। और ये बच्चों इसको आपने ए माना, इसको आपने ए माना, ये आपका बी और बी हो गया, तो अल्टीमेटली क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन। तो जो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी में ले रहा हूं बच्चों, वो ले रहा हूं ए माइनस सॉरी ए माइनस बी, और ए प्लस बी क्या होता है ये तो फॉर्मूला याद है सर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, हाँ सर ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें क्या क्या समझना और क्या पढ़ना, बोलो हाँ या ना। और यहाँ ऊपर जो फॉर्म मैंने बना लिए बच्चों, ध्यान दे मुझे ये पता पड़ता है सर, ऊपर फॉर्म बन रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जहां ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा है, बी की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस थ्री इंटू ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बी, और यहां बन रहा है ए प्लस बी। सर यही तो होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, यही तो होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख दूं ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का भी होल क्यूब है, बोलो हाँ या ना, होल अपॉन, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया कॉसेक थीटा इनटू सेक थीटा। बच्चों अब ये ब्रैकेट जब मैं खोलूंगा, बच्चों जब ये ब्रैकेट मैं खोलूंगा तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो, यहां मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन। अच्छा इसकी वैल्यू वन होती है हमें पता है, तो ये वन से
माइनस वन कैंसिल हो गया और आपको ऊपर पता पड़ा सर वन का क्यूब बना, इसकी वैल्यू भी वन होती है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन टू इंटू साइन थीटा से कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करने में कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन टू ही बन जाना है, बोलो हाँ या ना, केवल और केवल टू बचा नीचे, तो आपने कहा आपका आंसर बनता है वन बाय। तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, एग्जाम में आप वैल्यूज ही पुट कर लिया करें, बिकॉज कई बार बहुत टिपिकल फॉर्मूलाज आपको अप्लाई करने पड़ते हैं, हमें स्ट्राइक नहीं हो पाते हैं। यहां हम इसलिए करा रहे हैं आपको ताकि आपको वैल्यूज स्ट्राइक हो सके, आपको वैल्यूज पता पड़ सके स्टूडेंट्स की, कैसे हमें इन्हें अप्रोच करना है, आपको फॉर्मूला स्ट्राइक हो जो कि फॉर्मूला आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।